लॉरेंस बिश्नोई गिंगका तीन ऐसा बदमाश जो तमाम पुलिस वालों के लिए सिरदर्दी बना हुआ है, पुलिस वालों को पकड़ने ही नहीं दे रहा है। अब जाकर दोस्तों पुलिस वालों ने उन तमाम अपराधियों के खिलाफ इनाम घोषित कर दी है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, कौन है वो लॉरेंस बिश्नोई गिंगका तीन बदमाश जो पुलिस वालों का दिमाग खराब कर रखा है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस तरह से उन लोगों के खिलाफ इनाम घोषित करा गया और क्या क्या जानकारियां निकलकर सामने आई है। एक एक करके तमाम बातों का पर्दाफाश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को हमारी तरफ से दिल से सलाम। चलो दोस्तों आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग की उन तीनों बदमाशों के बारे में। आपको बता दूं दोस्तों, इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों का नजर देश के अलग अलग राज्यों पर है। देश के अलग अलग जगहों में जिस तरह से इस गैंग के बदमाश अलग अलग वारदात को अंजाम दे रहा है, ये कहीं ना कहीं पुलिस वालों के लिए मानो की सिरदर्दी बना हुआ है। और इसी बीच दोस्तों, जब से खबर निकलकर सामने आई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तीन गुर्गों को लेकर, तब से कहा जा रहा है बिहार पुलिस भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई और अब जाकर दोस्तों तीन आरोपियों के खिलाफ बिहार पुलिस ने इनाम घोषित कर दी। तो कौन है वो तीनों बदमाश, किस तरह से आपको भी इनाम मिल सकता है? दोस्तों कहा जा रहा है बिहार पुलिस ने इस तरह से इनाम घोषित करी है कि अगर कोई भी उन तीनों बदमाशों को जिंदा या मुर्दा पकड़कर पुलिस के हवाले करती है तो उस व्यक्ति को इनाम दिया जाएगा। कितना कितना इनाम दिया जाएगा उसके बारे में चर्चा आगे करेंगे, पहले चर्चा कर लेते हैं उन अपराधियों के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये वो दो बदमाश है जिन बदमाशों को अभी हाल ही में बिहार पुलिस ने गिरफ्तार करी थी। 22 जुलाई 2024 को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दो बदमाशों को गिरफ्तार करा गया था, जिनके पास से पिस्तौल भी बरामद करा गया था। यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हो दोस्तों किस तरह से ये पिस्तौल यहाँ पर रखा हुआ है। ये चारों पिस्तौल ऑस्ट्रिया मेड पिस्तौल है, ग्लॉक पिस्टल के नाम से इसे जाना जाता है। आपको बता दूं दोस्तों, इन चारों पिस्तौल को देखकर पुलिस वालों का तो दिमाग ही खराब हो गया। दरअसल बताया जाता है 22 जुलाई 2024 को गोपालगंज के यूपी बिहार बलथरी चेक पोस्ट के पास दो बदमाशों को गिरफ्तार करा गया था। दोस्तों बलथरी चेक पोस्ट पर जब जांच पड़ताल करा जा रहा था, उसी दौरान दो बदमाशों पर पुलिस वालों का नजर पड़ता है। दोनों को उतारकर जब पुलिस वाले चेक करते हैं तो उनके पास से भारी मात्रा में हथियार मिलता है और आखिरकार पुलिस वाले उसे भी गिरफ्तार कर लेते हैं और उनके हथियारों को भी जब्त कर लेते हैं। बताया जा रहा है दोस्तों, उन दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस वालों ने जब उन लोगों से पूछताछ करा तो बड़ा खुलासा हुआ और खुलासे के बाद दोस्तों 24 जुलाई 2024 को एक और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल बताया जाता है दोस्तों, राजस्थान के अजमेर जिले से दिनेश सिंह रावत को गिरफ्तार करा गया। तो अब तक दोस्तों बिहार पुलिस ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार करी है, लेकिन इन तीनों के अलावा तीन ऐसा सनकी बदमाश है जो पुलिस वालों का दिमाग खराब कर रखा है। उन्हीं तीनों के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों तीनों में से एक का नाम बताया जाता है राहुल रावत है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम रखा गया है। दूसरे का नाम भूपेंद्र सिंह रावत है, जिसके ऊपर की 50,000 का इनाम रखा गया है। बताया जाता है राहुल और भूपेंद्र दोनों राजस्थान का रहने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, ये लोग रहने वाला राजस्थान का है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये लोग कांड करता है। इन लोगों के बारे में बताया जाता है ये लोग हथियार तस्करी करने का काम करता है। इसमें एक तीसरा भी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा इनाम रखा गया है। तीसरा बदमाश का नाम है एसके मीना और सुनील मीना। सुनील मीना के बारे में बताया जाता है ये इन दिनों विदेश में छिपा हुआ है और विदेश से ही भारी मात्रा में हथियार का तस्करी करता है। बताया जाता है दोस्तों, सुनील मीना के ऊपर 1,00,000 रुपये का इनाम रखा गया है। यानी कि दोस्तों इन तीनों में से अगर किसी को भी आप पुलिस के हवाले करते हो तो आपको इनाम मिलेगा। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि इन तीनों के बारे में पुलिस वालों को आखिर पता कैसे चला और ये तीनों किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा। आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले कई सालों के अंदर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से बड़े बड़े लोगों को धमकी दिया गया है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा फेमस बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को भी धमकी दिया जा चुका है और धमकी खुद पहले लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था, फिर इसके भाई अनमोल बिश्नोई ने दिया था। और ये लोग दोस्तों बड़े बड़े कारोबारियों से फिरौती वसूलने का भी काम करता है। तो इन लोगों के माध्यम से पहले भी कई तरह का अपराध करा जा चुका है, ये तो सबको पता है। दोस्तों इसी बीच बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बढ़ते नाम को देखते हुए तीन आरोपियों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों से कॉन्टेक्ट करा। तीनों में से एक का नाम राहुल रावत, दूसरे का नाम भूपेंद्र सिंह रावत, तीसरे का नाम एसके मीना उर्फ सुनील मीना है। ये तीनों लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार से संपर्क करता है और ये लोग गोल्डी बरार से डील करता है कि आप लोगों के लिए जितना भी हथियार चाहिए होगा हम लोग भिजवा देंगे, बस आप लोग रुपया भेज देना। इस तरह से दोस्तों बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग और इन तीनों बदमाशों के बीच डील फाइनल हुआ। डील होने के बाद बताया जाता है दोस्तों, इन तीनों ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को कई तरह का हथियार मुहैया करवाया। ना केवल लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बल्कि बताया जाता है अन्य गैंग के बदमाशों को भी ये लोग हथियार देता है। सवाल यह आता है दोस्तों कि इन तीनों के बारे में जब पुलिस वालों को पता लगता है फिर क्या होता है?
तो बताया जाता है जब इन बदमाशों को गिरफ्तार करा गया बिहार के गोपालगंज जिले से, जब 22 जुलाई को इन दोनों अपराधियों को पकड़ा गया तो इन दोनों ने कबूल करा था। इन दोनों के पास से जो हथियार बरामद करा गया तभी पता चल गया कि यह हथियार इन लोगों को कहां से मिला। तो दोस्तों इन लोगों ने ही पुलिस वालों से नाम बता दिया। उसके बाद बताया जाता है दोस्तों जब पुलिस वालों को पता चला तो पुलिस वाले उन तीनों को ढूंढने में लग गए। दोस्तों पुलिस वाले ढूंढ ढूंढ कर मानो कि परेशान हो चुके हैं। पुलिस वालों का दिमाग खराब हो रखा है। दिमाग इसलिए खराब हो रखा है दोस्तों क्योंकि इधर पुलिस वाले इन लोगों को ढूंढ रहे हैं और उधर दूसरे तरफ वो तीनों बदमाश जो कि अलग अलग जगहों पर हथियार तस्करी करने का काम कर रहा है। कहा जा रहा है दोस्तों बिहार एसटीएफ की टीम भी उन बदमाशों के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। उसके अलावा बिहार पुलिस की टीम भी उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो तीनों बदमाश पुलिस के हाथ चढ़ ही नहीं रहा है। इसीलिए दोस्तों अब जाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के उन तीनों बदमाशों के खिलाफ इनाम घोषित कर दिया गया है। और दोस्तों इनाम घोषित होने के बाद से कहा जा रहा है वो तीनों बदमाश जो कि पुलिस वालों के डर से और भी ज्यादा भागता फिर रहा है। तो इस तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि बिहार पुलिस ने इस बार बड़ा दिमाग लगाया है और बड़ी मछली को अगर पुलिस वाले फंसा लेंगे तो छोटी मछली तो अपने आप फंस जाएगी। तीनों के बारे में बताया जाता है उन तीनों के पास लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ऐसा ऐसा सबूत है जिस सबूत के आधार पर लॉरेंस बिश्नोई का सजा भी बढ़ सकता है। इसके अलावा गोल्डी बरार का भी पता लग सकता है जो कि अब तक फरार है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि लॉरेंस बिश्नोई का साथी गोल्डी बरार जिसे कि आतंकवादी घोषित कर दिया गया है, पुलिस वाले उसको भी ढूंढ रहे हैं, जांच एजेंसियां की टीम उसके पीछे पड़ी हुई है। तो दोस्तों उन तीनों के बारे में कहा जा रहा है ये तीनों बदमाश अगर पुलिस वालों के हाथे चढ़ जाता है तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पूरा पर्दाफाश ही हो जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा किस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का तीन बदमाश जो कि हथियार तस्कर है। दोस्तों राहुल रावत और भूपेंद्र सिंह रावत पर 50,000 का इनाम रखा गया है, वहीं एसके मीना के ऊपर 1,00,000 का इनाम रखा गया है। तो देखते हैं दोस्तों कब तक इन तीनों बदमाशों के बारे में पुलिस वालों को पता लगती है। फिलहाल कहा जा रहा है दोस्तों इस खबर के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश पुलिस के डर से भागते फिर रहे हैं। आप इस मामले में क्या कहना चाहोगे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। प्रत्येक दिन दोस्तों मेरा काम है आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, आपका काम है जानकारी लेना। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा तो लगा ही होगा। इस तरह के और भी खबरों के लिए आप सरकार मोटिवेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पर्सनली दोस्तों मैं कभी किसी अपराधी का समर्थन नहीं करता, आपसे भी कहूंगा आप लोग भी मत करना। दोस्तों अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसके साथ तो अंजाम गलत होता ही है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा, ये तो हर किसी को पता होता है। जय हिंद, राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सावधान रहना, सतर्क रहना।